लेकिन कभी तो नहीं 5 साल बाद खोज ली कि ओह बेटवा ओह बेटिया जे मैट्रिक पास कर ले तखन तो ढोल पिट ली गोटे गांव के लड्डू खिया ओ बेटवा ओ बेटिया आज कहां हो। आज जे गिदर गिला मैट्रिक में 80% नंबर लाना है 90% नंबर लाना है जे फर्स्ट डिवीजन करके पास कर है जकरा हमनी ढोल बजाई के बधाई दे है जकर नाम पेपर में आव है जकरा मिठाई खिलाई के बधाई दे है कभी देखा लग 5 साल बाद कहां गेले। यह बच्चा यह साल देखिया ना भी कितना बच्चा मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन आनते फर्स्ट ना है 80% 90% हमने फेसबुक में इंस्टाग्राम में ओकरा स्टोरी लगाई के बधाई दे कांग्रेचुलेशन 80% नंबर 5 साल बाद कोई ना मिला है बताओ एक आधे को कहीं रहा है बाकी सब गुमनाम भय जाए वह चूल्हा फूके में और अपन गिदर बुतरो के अपन ससुर के संहारे में घर गृहस्थी संहारे में चल जाए कहे बताओ नहीं। इस राज्य में नियम ना है इस राज्य में पॉलिसी ना है और आज दुर्भाग्य के विषय हो। आज जब बच्चा 80% लेके आवा है 5 साल बाद वो जाके गाड़ी में बालू ठेले के काम कर रहा है वो कोयला साइकिलिया में कोयला ठेले के काम कर रहा है वो गुजरात चल जा है वो टावर लाइन में खटे चल जा है गलत बोलो है तो नहीं बोल। आज हमने जकरा मिठाई खिया के बधाई दे कि हमारे बेटवा हमारे बेटिया हमारे भतीजवा हमारे भतीजिया हमारे भैगनवा हमारे भैगनिया फर्स्ट डिवीजन पास कर लाए वह 5 साल बाद कहीं नजर ना हो कहे बताओ इस राज में पॉलिसी ना हो। अब पॉलिसी क्या बनाते नियम बनाते क्या नियम बनाना तो हनिक काम ना लगो नियम डॉक्टर भी नहीं बनाते डीएम इंजीनियर भी नहीं बनाते ना नियम एक टीचर बनाते नियम क्या बनाते बताओ जगरा वोट दे के चुना वो नियम बनाता है आज ओकर सामने सवाल नहीं कर ले। आज जैसन हमने हर एक सांझ अपन नुनू के बाप से सवाल करा न तोनी कि कहां गेल हला की करला ककर संगे घुरला कै टका बचैला सवाल करा कि नहीं तो ठीक उसी प्रकार हर एक 5 साल में जब वोट के टाइम आवे है ऐसे एमपी एमएलए के कुर्सिया में बैठा है के ओकर भाषण अपना सुनना है तोहनी माइक ले और सवाल कर कि हमें जे तोरा भटुआ देले हलियो तो हमारे नियोजन पे की चर्चा कर ले तो हमारे लड़का हमारे लड़की के नौकरी लगता है ओकर पे की चर्चा कर ले आज हमरा बताओ। तो की कर ले न रविंद्र पांडे जी तो सास सुहाबा के मालिक बन गए अपन बेटवा के विधायक बनाए की तैयारी कर दिले अरे हमारे बेटवा की करते इटा बताओ हमरा। चंद्र प्रकाश चौधरी जी तोरा 5 साल मौका दिलियो तो है तो एमपी रहले अपन पत्नी के भी एमएलए बनाए दिले अब बता हमार छुआ खातिर की कर ले तो बताओ। आज इतना इतना कोयला खदान गिरडी के लोकसभा में यदि एगो सांसद खाली खकस देते ना तो वहां झारखंडी आदमी के रोजगार लगते एगो सांसद खाली खकस देते कि जमीन है हमारी नौकरी भी हमारी। लेकिन आज एखनी हमने वोट लेके कोई दिल्ली में सुत जाए कोई ऑस्ट्रेलिया में कपड़ा दुकान खोल ले है इसलिए आज तोहनी के अपन वोट के माध्यम से इस राज्य के इस जिला के इस देश के तस्वीर के बदले हते। आज वोट सबसे मूल्यवान लगो एकर से मूल्यवान कुछ ना हो सबसे मूल्यवान ही वोट लगो यह तोर वोट के ताकत कि आज रविंद्र पांडे के वोट दलाओ देखा आइए दोन पब्लिक स्कूल खोल ले रोड में देख ले हा बताओ कितना कितना बेशरम नेता हमने चुना है कितना दुष्ट सोच के नेता चुना है कि वो अपन केवल अपन सोच है बताओ। माननीय रविंद्र कुमार पांडे जो औरंगाबाद से अलग लेकिन फिर भी झारखंड के आदमी उतना प्यार दल है कि एक बार ने 5 बार एमपी बनाई लय और बदल में की कर लय दून पब्लिक स्कूल जहां झारखंडी के की काम मिलल है घसवा काटे के और बताओ वहां फी कितना है नर्सरी के फी 3000 है बताओ कौन झारखंडी वहां पढ़ते चाचा तो नतिया पढ़े पढ़तो रविंद्र पांडे के स्कूलवा में 3000 ओकर नर्सरी के बच्चा के फी है तोर वोट से ओकरा कोई नहीं पूछल है तोर वोट से ओकरा ताकत मिल लय आज वो एमपी बन लय और देख आज की व्यवस्था कर दल तोर वोट से चंद्र प्रकाश चौधरी जीतल ऑस्ट्रेलिया में कपड़ा का दुकान खोल दिलो इसलिए आज अपन वोट के जकरे दबा फ्री में दिया और बदले में ओकरा की कहिया
कि हमार बेटवा हमार बेटिया फ्री में पढ़ाई किसे करते। अभी मान के चल कोई बहन या कोई भाई के सपना है मास्टर बने, तो मास्टर तो ऐसे नहीं बनते, ओकर खातिर ओकर बीएड पास करे भेवा है, ओकर डीएलएड पास करे भेवा है, और बताओ बीएड के फी 2 लाख, और ककर कॉलेज हुआ ओहे विधायक जी के और सांसद जी के, तो भटवा दली 500 में घुरा आए के आधे वसूल कर ले लो 2 लाख टका फी लेके। इसलिए वोट बहुत अनमोल हो, सबसे ज्यादा अगर अनमोल कुछ हो तो वोट हो। अभी तो नहीं जितना नारी शक्ति है लिपस्टिक काजर पाउडर लगवा ना बोलिया कि ना लगवाइए, छोड़ दी चंगन की लाके छोड़ दा अखनी के। ए चंगन साहब की नाम लगे अखनी तनी बताइया अगे, तो हनी के रोक बांध के सबके गड़िया भर के ले जीवे, रुक तो हाँ हाँ करे रुक अभी, अब रुक अभी तोरा। अच्छा लिपस्टिक काजर पाउडर लगवा, हाँ लगवा ला जे, हम तो देख रहा लिए, यानी लाल रंग के रहा है नेल पॉलिश, ब्लैक रंग के रहा है ई आईब्रो और ई काजर, और व्हाइट यानी चरका रंग के रहे पाउडर। चल अच्छा बात है लगवा, बताओ तो लगवाल बाद अगर असर कई दिन रहा है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, यानी तोर लाल रंग के जो श्रृंगार करे हैं ये लाल रंग का श्रृंगार 2 दिन में खत्म भए जाओ, ये करिया रंग के काजर 2 घंटा में खत्म भए जाओ, ये चरका रंग के पाउडर 20 मिनट में खत्म भए जाओ, लेकिन पता हो तो यारे को श्रृंगार करे हैं ओकर रंग लाल पीला काला ना है, ओकर रंग नीला भेव है, और उस श्रृंगार तो रोज नहीं करे हैं, उस श्रृंगार तो सप्ताह में नहीं करे हैं, उस श्रृंगार तो महीना में नहीं करे हैं, उस श्रृंगार तो बछरी भी नहीं करे हैं, उस श्रृंगार तो प्रत्येक 5 साल में करे हैं, लेकिन उस श्रृंगार तो नक पुलिस नखवे लगाए के कपर में या रखिए और गल में लगाए के ना है, अपन अंगुरिया में लगाए के करे हैं, ओकर नाम लगे वोट नीला रंग के श्रृंगार करे हैं। पता हो ओकर असर कई दिन रहा है, प्रत्येक 5 साल में तो स्पेशल एगो श्रृंगार है, वो वो लाल पीला काजर करिया न्याना हो, वो चरका ना हो नीला हो, और ओकर असर 2 घंटा ना रहा है, ओकर असर जिंदगी भर रहे, कैसे से बताए दे। अभी यदि मान के चल रविंद्र पांडे या चंद्र प्रकाश चौधरी के वोट दिलिए, वो यदि है दून पब्लिक स्कूल के जगह एक बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेज खोलते ले, हालांकि मेडिकल भी खोल दिले लेकिन टाका भी 15 लाख 20 लाख लगते, यदि वो अगर फ्री सुविधा में अगर एगो इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ खोलते ले रविंद्र कुमार पांडे या चंद्र प्रकाश चौधरी या मथुरा प्रसाद महतो, और यदि वहां तोर बेटवा तोर बेटिया पढ़ते लो और पढ़ लिख के इंजीनियर बन जित लो, तोरा जिंदगी भर याद रहते लो कि नेतवा के वोट दिले अच्छा काम कर ले, नीला रंग के स्याही तोरा जीवन भर याद रह, तो मैया मुसिया बहनियन याद रखे, यह सबसे बड़ा, यह सबसे बड़ा ताकत हो। इसलिए गलत व्यक्ति के गलत हाथ में कभी वोट नहीं दिया। आज बहुत कहे तो बता आप इनको मत देखिए, ये चंद्र प्रकाश चौधरी को रविंद्र पांडे जी को इनको मत देखिए, मोदी जी को देख के वोट दीजिए। बहुत जन कहते तो एक लाइन कहा कि क्या आप अपनी बेटी का शादी ससुर जी को देख के करेंगे, हिया में से के हा जे बेटिया कर कन्यादान ससुरा के देख के करवा करवा, ससुर के देख के कन्यादान करवा नहीं ना, तो फिर मोदी के देख के एमपी के चुनाव कैसे बताए, मोदी के देख के बिना काम करे वाला सांसद के कैसे चुनवा, तो नहीं बताओ मोदी जी के देख के कैसे चुनवा भाई, वो दिल्ली में है की कर रहा है हमारा मतलब ना है, यहां से चंद्र प्रकाश चौधरी जी है, यहां से रविंद्र पांडे जी रह चुके हैं, आप क्या किए हमको बताइए, आप बेटी का कन्यादान दामाद को देख के होगा, ससुर जी को देख के नहीं होगा। यानी जो हमारा एमपी बनेगा वो टैलेंटेड होगा, वो पढ़ा लिखा होगा, वो एजुकेटेड होगा, वो सवाल जवाब करने वाला होगा, वो ईमानदार होगा, और सबसे खास बात भागने वाला नहीं भिड़ने वाला होगा, उसी को हम अपना वोट देंगे एमपी बनाएंगे। दिल्ली को हमने बहुत देखा, अब गिरिडीह को देखिए,
और दिल्ली की चर्चा नहीं अब गिरिडीह की चर्चा होगी, और गिरिडीह से एक ऐसे शेर को चुनिए जो दिल्ली जाकर पाई पाई हिसाब चुकाएगा। आज तोहनी मुखिया के मने जाना है कि मुखिया के मने की भेवा है जाना है ना, क्या गांव के लगे कोरकट्टा के लगे, लेकिन तोहनी रविंद्र पांडे और चंद्र प्रकाश चौधरी के मने ना जाना की लगे। तो सीधा सा बात जान ले, तो ये जी नाकफुटकिया पिंधा ला ना वो मैया मोसिया फुफैयान, ये नाकफुटकी जब पिंध ले हा ये मुखिया जी का औकात न खाए कि रेट बढ़े तो और गिरे तो, ये विधायक के भी हैसियत न खाए कि अगर रेट के बढ़े तो और घटे तो, ये डीसी के भी हैसियत न खाए कि तोर नाकफुटकी के रेट के बढ़े तो गिरे तो, ये नाकफुटकी के रेट बढ़े वाला सांसद व्यवहार। लेकिन तुम नहीं जानबे ना अगर की काम लगे, तो जब गैसवा चला चूल्हा में ओकर रेट बढ़े वाला सांसद भेवा है, तो स्कूटिया में और तोर नुनुक बाप फटफटिया में जब तेलवा भरो हो वो पेट्रोल के रेट बढ़े वाला सांसद भेवा है, और तोरा मालूम ना है कि चंद्र प्रकाश चौधरी काम की लगे, रविंद्र पांडे के की काम लगे, हमार बेटी भी यहाँ आए गल एगो लिफाफा भर के दे दल नहीं, वो हमार भविष्य हमार तकदीर के बनाए सकल है या बिगाड़ सकल है। अभी यदि हमने के गांव में कोई बीमार भय जा है तो हमने बढ़िया डॉक्टर चुना है ना, चुना है ना, अगर हमने कोई केस में फंसा है बढ़िया वकील चुना है, चुना है ना, तो जब बढ़िया डॉक्टर चाहे बढ़िया वकील चाहे तो बेकार लीडर कहा चाहे, लीडर तगड़ा होना चाहे और सबसे तगड़ा लीडर ही होना चाहे। अब विदाई लिए से पहले थोड़ा चेंगर के लिए बड़ी उम कहते थोड़ा अखनियों से बातचीत कर ले, क्या कि मोदी जी का चंद्र प्रकाश चौधरी का भाषण नहीं है कि खाली 18 प्लस से बात होगा, हम लोग का उद्देश्य हमने लक्ष्य केवल वोट लेना ना है, झारखंड के बदलना है। ए चेंगर बट क्या जा लगले मलबो खोल दे जल्दी आइए, देख चेंगर सब जितना है चेंगर बुझा है ना, यानी हमार जितना इतना है हाँ, तोहनी कहियो तोहनी कभी भी देखियो तोहनी कभी भी देखिए तोहनी जो मैया हो ना अम्मी जान अम्मी मम्मी मैया जय बोला हा, वो बताओ बिहान कई बजे उठो याद हो कई बजे उठो 8 बजे सूरज उगल बाद 4 बजे भिनसरिये उठो उठाओ ना, अरे ललका कुर्ता तोरो पूछियो तर मैया 4 बजे उठाओ ना, इतना जाड़ के दिन 12 महीना ठंडा में तो ठंडा में और बरसा में तो बरसा में 4 बजे भोर उठो और की करो पता, सबसे पहले झाड़ू लेके घरवा बाड़ो, कहे झाड़ू लेके घरवा बाड़ो बताओ, ताकि जब तुम तो बोढ़ जब भी तोर हाथ में झाड़ू ना आए तोर हाथ में कलम रह तो तई कोई अधिकारी बन में सही खाते तुर मैया 4 बजे उठो, बाकी ओकरो शौक है कि 4 बजे उठ ले अरे वो सीरियल देख भाई। लेकिन ना वो अगर झाड़ू पकड़ो हो और बप्पा यदि बेलचा और कोदार पकड़ो हो तो तोर भविष्य के खातिर कि तुय तो कोदार और बेलचा ना पकड़ भी तो की पकड़ भी कलम पकड़ भी, तो की बन भी इंजीनियर बन भी तो बैरिस्टर बन भी तो टीचर बन भी तो पुलिस बन भी सहखातिर, तो सहखातिर याद करिया बड़ी तकलीफ से मैया में सब्जियां बेच के बप्पा में ईट भट्टा में खट के माटी काट के तोहनी के खुद फटले पिंदले तो जाके देख लिया मैया के लोगवा रिठाए गल तो, लेकिन देख तोहनी गिरा चमको स्मार्ट स्मार्ट कहे बताओ कि फ्री फायर और पबजी खेल खातिर की रे ना, पढ़ना हो लिखना हो मन लगाए के पढ़ना लिखना हो और आज उस मैया जगह हाथ में झाड़ू हो तोरा अपन हाथ में कलम पकड़ना हो, इस बात को याद रखिए।